अब सब लोग ये कहते हैं कि माँ ये कुंडलिनी का जागरण तो बड़ा कठिन होता था। अरे भाई हजारों वर्ष पहले की बात, कब वृक्ष बहुत बढ़ गया है बाहर, आपका समाज बढ़ गया, आपके लोग बढ़ गए हैं, सारा सिविलाइजेशन बढ़ गया, तो क्या इसकी जड़ें नहीं बढ़ेगी? इसकी जड़ें भी बढ़ गई और जड़ें बढ़ करके इसका स्रोत बढ़ गया। स्रोत से ही ये ज्ञान आया है और इस ज्ञान से ही ये जो आपका सृष्टि का जो कुछ भी विकास हुआ है वो नरिश हो जाएगा, वो प्लावित हो जाएगा। इसीलिए सहज का प्रादुर्भाव जो हुआ है वो ये है कि इसके प्रादुर्भाव से ये नष्ट होने वाला समाज, ये नष्ट होने वाली व्यक्ति, ये नष्ट होने वाले देश और ये नष्ट होने वाला विश्व सारा संभल जाएगा और एक नए तरह के लोग जागृत होंगे जिन्हें कि हम संत कहते हैं। पर संत का मतलब ये नहीं कि आप घर द्वार छोड़ के भाग जाओ, अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के भाग जाओ, अपने बाल बच्चों को छोड़ के भाग जाओ, कुछ भागने की जरूरत नहीं। आप अपने ही अंदर संत हो जाते हैं। आप भी इंसान जो बने हैं बिल्कुल उच्चतर स्थिति में है, उत्तम स्थिति में है। अब बस थोड़ा सा ही प्रवास और है जहां पर कि आपका कुंडलिनी का जागरण करना है और आपको वो स्थिति देनी है जिसे हम कहते हैं कि आत्मबोध। सबसे पहले आपके अंदर ऐसा लगेगा जैसे ठंडी ठंडी हवा आ रही हाथ में और सर में से भी लगेगा ठंडी हवा आ रही तालू में से। यही जो आपको हाथ में लग रहा पहला अनुभव, पहली मर्तबा आप इस परम चैतन्य को जान रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसका आपको ज्ञान हो रहा है। इससे पहले आपने इसे जाना नहीं था। अब आपको जूते उतर उतार ले आराम से, जो लोग कुर्सियों पर बैठे वो भी जूते उतार के दोनों पैर अलग करें, जो जमीन पर बैठे वो सबसे ठीक है कि अपना लेफ्ट हैंड जो है, लेफ्ट हैंड उसको हमारी ओर करें। अब लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट साइड में जो शक्ति है वो इच्छा शक्ति है, पावर ऑफ डिजायर, इच्छा शक्ति। जब आपने ऐसे हाथ कर दिया तो आपने ये कह दिया है कि हमें इच्छा है कि माँ हमें आत्म साक्षात्कार मिले। इसको पूरी समय ऐसा रखें। और राइट हैंड जो है ये क्रिया शक्ति है। अब अपने हाथ को पसार लें, हथेली को पूरी तरह से खींच लें और उसके बीचों बीच जो जगह है उसको आप बराबर अपने तालू पर, जो कि आपके बचपन में एक बहुत स्निग्ध सी हड्डी थी, उस पर रखें और अपनी गर्दन झुका लें पूरी तरह से। अब कृपया इस हाथ को आप 7 मरतबा धीरे क्लॉकवाइज माने घड़ी के कांटे की तरह धीरे धीरे घुमाएं और कहें 7 मरतबा, श्री माता जी मुझे आप कृपया आत्म साक्षात्कार दीजिए, मुझे आत्मबोध दीजिए, श्री माता जी मुझे आप आत्मबोध दीजिए, 7 मरतबा कहें। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। अब दोनों हाथ मेरी ओर करें इस तरह से और मेरी ओर देखें और निर्विचार हो जाइए, विचार मत करें।
अब राइट हैंड थोड़ा आगे करके अपना सर झुका के देखें कि आपके तालू में से ठंडी या गरम गरम कुछ हवा आ रही है क्या। सर के ऊपर हाथ रखें, उसको छुए नहीं, दूर से देखें। किसी किसी को बहुत दूर तक आती हवा, आ रही ठंडी हवा, देखिए सर में से आ रही। राइट हैंड में लौट कर, राइट हैंड में लौट कर, लेफ्ट हैंड से देखिए। पहले राइट हैंड करें मेरे, और अब लेफ्ट हैंड से देखिए, राइट हैंड मेरे और करें, लेफ्ट हैंड से देखिए, आ रही। अच्छा, अब लेफ्ट हैंड मेरे, अब गर्दन झुका के देखिए, राइट हैंड से आ रही क्या, देखिए सब आ रही। एक सवाल पूछे कि श्री माता जी क्या यही परम चैतन्य है, यही क्या परमात्मा की प्रेम शक्ति है? तीन बार कोई सा भी एक प्रश्न करें, ऊपर गर्दन करके आकाश की ओर देखे। नीचे ले लीजिए हाथ, ऐसे रखें हाथ। जिन लोगों के तालू से या हाथ में, उंगलियों में ठंडी या गर्म हवा आ रही हो, सबको आपको नमस्कार, सब संतों को नमस्कार, अनंत आशीर्वाद। मेरे और ठंडी हवा आ रही, देखो बिल्कुल एक पत्ता नहीं हिल रहा है, लेकिन ठंडी हवा आ रही तुम लोगों से, अनंत आशीर्वाद है सबको, अनंत आशीर्वाद है।